नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, धनवान बना देगा आपको हर सिंगार का चमत्कारी पौधा। आइए आपको बताते हैं इसका धार्मिक महत्व, फायदे और इसके टोटके। हर सिंगार के पौधे को हम परिजात के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे को शास्त्रों में कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है। कहते हैं जब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ 14 रत्नों में से एक रत्न था हर सिंगार का पौधा और ये देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगा दिया। ऐसी कथा है कि एक बार श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी साथ बैठे थे, तभी नारद मुनि वहां आए और परिजात की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट में दी। श्री कृष्ण ने माला रुक्मणी को दी। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इस हार को धारण करके आप कान्हा की सभी रानियों से सुंदर लग रही हैं। ये बात सत्यभामा तक पहुंची तो वो भी जिद करने लगी कि उसे भी स्वर्ग से परिजात का वृक्ष चाहिए। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक पर आक्रमण करना पड़ा। इंद्र नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपत्ति धरती पर आए, लेकिन श्री कृष्ण सामने थे तो मना नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लेकर आने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया। उन्होंने शाप दे दिया कि परिजात के फूल बस रात में खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसीलिए परिजात के फूल सूर्योदय से पहले गिर जाते हैं। यूं तो पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन परिजात के फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। परिजात के बिखरे हुए फूलों को चुनकर सभी देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग से परिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में था, लेकिन फूल रुक्मणी के आंगन में गिरते थे। इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार करती थी, इसलिए इसके फूलों को चुनकर पूजा में प्रयोग करने का विधान है। परिजात को लेकर एक कथा ऐसी भी है कि एक राजकुमारी थी जिसे सूर्य से प्रेम हो गया, लेकिन सूर्य ने अपनाने से मना कर दिया। प्रेम में राजकुमारी शरीर का त्याग कर दिया और उसकी चिता से एक पौधा निकला जिसके फूल रात में खिलकर अपनी सुगंध से मन मोह लेते हैं, लेकिन सुबह सूर्य के निकलने से पहले ही बिखर जाते हैं। कहते हैं वो राजकुमारी ही परिजात के वृक्ष के रूप में प्रकट हुई थी। जैसे वृंदा की चिता की राख से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक उसी तरह। दोस्तों, मनमोहक और आकर्षक दिखने वाला हर सिंगार का पौधा पूजा पाठ में इस्तेमाल होने के साथ ही हमारी रोज की कई सारी परेशानियों को हल करता है। हर सिंगार के पौधे का इस्तेमाल पूजा पाठ में तो होता ही है, कई तरह के टोटके में भी होता है। हर सिंगार का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ है, क्योंकि कहा जाता है हर सिंगार के पौधे में ईश्वर का वास है। इसलिए पौधा भगवान को अर्पित करने से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि घर के आसपास उत्तर या पूर्व दिशा में लगा दिया जाए तो वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा में हर सिंगार का पेड़, उससे फूल तोड़कर लाए जाएं तो भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं जहां भी ये पौधा होता है वहां माँ लक्ष्मी वास करती हैं। अगर आप आर्थिक संकट दरिद्रता से जूझ रहे हैं, घर में धन नहीं रुक रहा है, तो आपको ये पौधा जरूर लगाना चाहिए। और दोस्तों, हरसिंगार के फूलों की इतनी मनमोहक सुगंध होती है जो हमारे तनाव को चुटकियों में दूर कर देती है और घर का माहौल खुशनुमा कर देती है। जिस स्थान पर परिजात का पेड़ लगा होता है वहां पर बुरी शक्तियां नहीं रह पाती। अब आपको बताते हैं हरसिंगार के कुछ टोटके। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर के बाहर किसी नदी के पास या सामाजिक स्थल पर अगर 1 तोला स्वर्ण दान किया जाए, उसमें जितना भी आपको पुण्य मिलता है उतना ही हर सिंगार के पौधे को लगाने से होता है। हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं और आपके दुश्मनों से छुटकारा मिलता है। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो हर सिंगार के बांदे को लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। ये टोटका करने से आपके धन की कमी दूर हो जाएगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बन जाएगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं हरसिंगार के पौधे को किसी भी शुभ मुहूर्त पर अपने घर के उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में लगा दें, उसकी देखभाल करें, वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिंता में रहते हैं तो आपको हरसिंगार का पौधा लगाना चाहिए।
उसकी खुशबू से आपकी चिंता, आपकी स्ट्रेस दूर हो जाएगी। और दोस्तों, हर सिंगार का पौधा पूजा पाठ और टोटके में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सूखी खांसी, सूजन, दर्द, साइटिका, जोड़ों का दर्द, इन सब में हर सिंगार का पौधा फायदा करता है। और परिजात का फूल भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। ये फूल दोनों को ही बहुत प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी और श्री हरि के श्रृंगार में हर सिंगार का पेड़ के फूल प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप भी इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में या किसी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहाँ से आप इसके फूल चुनकर अपने घर भी ला सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।